स्पष्टीकरण, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुँचा। वहाँ वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे।